अच्छा आओ आओ बच्चों, अब पढ़ते हैं क्या। अब पिछले अभी तक हमने लॉग के बारे में मैक्सिमम चीजें लगभग पढ़ लिया है, लॉग की इनइक्वालिटी रह गई है। लॉग की इनइक्वालिटी अब करेंगे, उससे पहले लॉग की इनइक्वालिटी करने से पहले इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटी और लॉग की इनइक्वालिटी करने में लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेगा, या अधिकतम 4 लेक्चर लगेगा। फिर हम लोग थोड़ा और बेसिक फंक्शंस लाइक मॉडुलस का इनइक्वालिटी या मॉडुलस, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा लिस्ट फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस, थोड़ा सा सिग्नम, इनके बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डिटेल। इसलिए डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको 12th में फंक्शन में खूब डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मतलब दिल खोल के पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया लेंगे कि अगर सवाल कभी आ जाएगा किसी तरह का तो कैसे करेंगे। तो इतने करने के बाद हम फिर स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक ही मैथ चल रहा है। तो ठीक है, अभी हमने क्या बोला, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इनइक्वालिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी का जो इक्वल ना हो वही इनइक्वालिटी कहलाती है, जो इक्वल ना हो वो आपका इनइक्वालिटी कहलाती है। इनइक्वालिटी में एक चीज होता है लेस देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन। लेस देन को देखो, लेस देन को क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि कैसे जानेंगे कि लेस देन है, देखो लेस देन। ग्रेटर देन है कैसे पढ़ेंगे, देखो तो, देखो तो पढ़ लिया क्या हमने, क्या पता चल गया कि आपको अलग से याद करने की जरूरत है कि ये आपको पता चल गया कि ये जी आर ई पता चल गया ना कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है। देखो एल ई डबल एस लेस देन जी आर ई ए टी ए आर, तो आपका ग्रेटर देन, तो ये आपका लेस देन ग्रेटर देन, या कई बार ये लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू, इस तरह की चीजें मिलेंगी। क्या इनका मतलब होता है वो सब हम समझेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा अपन इससे पहले पढ़ लेते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल, दो इंटरवल पढ़ने हैं, दो तरह के टोटल इंटरवल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इंटरवल में, पहला इंटरवल के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे, ओपन इंटरवल किसको, देखो ऐसे ओ पेन क्या है ये, देखो क्या मतलब कि ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन जो नोटेशन होता है, ऐसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है, एक ए होता है एक बी होता है, पीछे मैं बता भी चुका हूं थोड़ा सा सेट पे के टाइम पे। इसका मतलब होता है कि ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, जब मैं रियल लाइन पढ़ा था उसमें पढ़ा रहा था, मैं आपको बताया था ऑल रियल नंबर बिटवीन बिटवीन ए टू बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में, आपको ए और बी इंक्लूड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2 से लेके 4 तक है एक्स की वैल्यू, इसका मतलब होता है बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब कि ये इस फैमिली से यानी इस खानदान से बिलोंग कर रहा है, किस खानदान से, 2 से 4 के बीच की सभी रियल नंबर की खानदान से बिलोंग कर रहा है। 2 से 4 के बीच में कितनी रियल नंबर होंगी, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, काउंट जिसको नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर्स होंगी। उस इनफाइनाइट नंबर्स को ये कह रहा है कि इनके बीच में एक्स की वैल्यू है तो क्या क्या संभव है, जरा मैं लिख रहा हूं जरा बताना, क्या एक्स इक्वल टू 1.5 1.9 संभव है, क्या x इक्वल टू 2.1 संभव है, आपका जवाब नहीं, आपका जवाब हाँ, x के इक्वल टू 2.5 संभव है, आपका जवाब हाँ, x इक्वल टू 2.9 संभव है, आपका जवाब हाँ, x इक्वल टू 3 संभव है, आपका जवाब ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 तक है अपना x का, आपका जवाब हाँ। अगर मैंने कहा x इक्वल टू 4 संभव है तो आपका जवाब ना, क्योंकि ये 4 शामिल नहीं है। तो बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूड का मतलब कि ए ए और बी की वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूड इन ए एंड बी, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। इनइक्वालिटी पे चूंकि बात करने वाले हैं इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। क्लोज इंटरवल मतलब देखो ऐसे सी एल, देखो ये सी हो गया एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ एस सी क्लोज इंटरवल, ऐसे भी लिखते हैं इसको। क्या मतलब होता है इसका कि अगर मान लो कि ये ए टू बी लिखा है,
तो अच्छा एक चीज और है, इसको चलो पहले इसको उतार लेते फिर मैं इधर आता हूँ, दोबारा रिटर्न होता हूँ। ए और बी आपका ये इसका मतलब होता है कि ऑल रियल बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। क्या इंक्लूड करना है? इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को इंक्लूड भी करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। जैसे x बिलोंग टू 2 to 4 लिखा है तो इस बार x की वैल्यू 2 भी चलेगी, x की वैल्यू 2.5 भी चलेगी, x की वैल्यू 3.9 भी चलेगी, x की वैल्यू 4 भी चलेगी, x की वैल्यू 4.1 नहीं चलेगी, क्योंकि 4 से आगे नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्लोज इंटरवल है। अब देखो लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका है दोनों तरफ इक्वल टू लगा दिया, लेस देन आर इक्वल टू 2 <x> 4, मतलब जिसके साइड मुंह खुला होगा वो कहलाएगा उधर बड़ा है, x बड़ा है 2 से और 4 से छोटा है, जिधर मुंह बंद होगा उधर उधर छोटा कहलाएगा। तो ये आपका 4 से छोटा 2 से बड़ा, दोनों 2 और 4 दोनों इंक्लूड है इसलिए इक्वल टू लगा है। और पिछला वाला ये 2 और 4 का मतलब ये लिखने का यही मतलब है x बिलोंग टू 2, 4, जबकि ओपन इंटरवल ये आपका लिखा गया है ये वाला। तो ये आपका कहलाता है, ये आपका है, ये ओपन इंटरवल का, ये क्लोज इंटरवल का है। इसको लिखने का तरीका ये है इनइक्वालिटी यानी लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से। इक्वालिटी मतलब इक्वल जो हो, इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल, और इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वल ना हो, या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, यही आपका कहलाता है इनइक्वालिटी, सिंपल सी बात है। दूसरी बात पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने पूछा कि क्या 5 5 से बड़ा या बराबर है क्या, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 5 5 से बड़ा या बराबर है क्या, जब कोई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब और शब्द यूज होता है तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। 5 क्या 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, तो ये दोनों जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 से बड़ा या 5 के बराबर, इन दोनों में से कोई भी एक बात सही होगी तो हम कहेंगे ट्रू है ये, तो ये बात एक बात ट्रू है। मैंने कहा 5 greater than or equal to 3, क्या 5 3 से बड़ा या उसके बराबर है, तो डेफिनेटली बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, एक बात ट्रू है। मैंने कहा क्या 5 greater than or equal to 6, आप कहोगे कि 5 6 से बड़ा या बराबर, मतलब 5 greater than 6 greater than or equal to 6, आपका जवाब आएगा ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, मतलब ये गलत है। 3 less than or equal to 3 सही है, क्योंकि 3 के बराबर या 3 से छोटा सही है। तो इसी के बेसिस पे हम आगे की इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा रूल ऑफ इनइक्वालिटी जाननी चाहिए, या उससे पहले रूल ऑफ इनइक्वालिटी बताने से पहले थोड़ा सा और मैं एक बात बता देता हूं। जैसे मान लो लिखा है, देखो लिखा है x greater than 1, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1 से बड़ा, x greater than 1 का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा कितना, इनफाइनाइट। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे कि ये कहीं 1 है और 1 से बड़ा, x greater than 1 मतलब 1 से आगे, और 1 जब शामिल नहीं करना है यानी इंक्लूडेड नहीं होगा तो हम ऐसे व्हाइट बबल या व्हाइट सर्कल लगाते हैं और कहते हैं कि ये इसके आगे ये सब कुछ इसको जा रहा है लेते हुए, मतलब पूरा यहां चलने की इसकी स्वतंत्रता है। तो एक बार हमने लाइन खींचा कि ये आपका चलने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, इसको अब इसको इसको दिखाने का तरीका ये हो गया। किसी ने कहा x की वैल्यू 3 से छोटा या बराबर, तो लिख कैसे सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 3 कि पहले तो सबसे छोटा, अच्छा पहले देखो नंबर लाइन में जरा एक बार लिख लेता हूं। देखो यहां कहीं 3 है, इक्वल टू लगा है तो ऐसे डार्क सर्कल लगाते हैं, मतलब उसको भर देते हैं, 3 से छोटा मतलब छोटा, सबसे आगे इनफाइनाइट होता है, प्लस सबसे पीछे माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। तो बताओ जरा x की वैल्यू कितना, कहां से हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है, कैसे लिखना है लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से उधर जाना है, कितना लिखेंगे यहां पे, अच्छा ये आपका माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पे कभी भी ओपन इंटरवल लगता है, तो हो गया माइनस इनफाइनाइट से अब कहां तक जा रहा है ये 3 तक, बोलो बात समझ में आई, और 3 पे क्या लगेगा क्लोज, क्योंकि इक्वल टू लगा है इस बार ये शामिल है। तो ये ऐसे लिखेंगे, थोड़ा एक दो और एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पे, अगले जाने से पहले थोड़ा सा और यहीं पे पूछ लेता हूँ मैं आपसे, देखो
क्या कि अगर मान लो ऐसे लिखा हो एक्स 3 से 5, तो कैसे इसको दर्शाएंगे, कैसे एक्स बिलोंग टू 3 to 5, नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ कहीं 3 यहाँ कहीं 5, दोनों पे इक्वल टू लगाए तो दोनों पे ये इनके बीच में इसको जाना है 3 से लेके 5 तक। लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा है कि -2 से एक्स की वैल्यू 0 तक है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो क्या करेंगे नंबर लाइन पे कि यहाँ पे अच्छा ऐसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका हो जाएगा अपना एक्स बिलोंग टू -2 से 0, 0 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है -2 पे, और यहाँ कहीं -2 नंबर लाइन पे दिखाना होगा, तो 0 0 पे डार्क सर्कल, इस पे हालो सर्कल, और ये आपका हो गया इनके बीच में नंबर। तो ये दिखाने का नंबर लाइन पे तरीका है। मैंने नंबर्स का सेट का इंटरसेक्शन भी करा चुका हूँ, यूनियन भी करा चुका हूँ, दोबारा भी इन चीजों की हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो अब जरा आगे हम बात करेंगे किस पे, इनइक्वलिटी, रूल ऑफ इनइक्वलिटी, फिर हम इनइक्वलिटी खूब धड़ाधड़ निकालेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, और नेक्स्ट बात करते हैं अपना। अच्छा और हम लोग अब किस पे पढ़ेंगे, इनइक्वलिटी का रूल क्या क्या होता है, फंडा क्या होता है। देखो इनइक्वलिटी के जो रूल है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये लगभग मोर ओवर हर टीचर आपको अपने तरीके से बताता है। आप किसी देखो, सब लोग सही बताते हैं, सही जगह पे सब लोग लेके जाते हैं, सबके एक्सप्लेन करने का बताने का तरीका बस थोड़ा अलग होता है। लेकिन सबका देखो, हर टीचर का ये ऐसी चीज है जिसको सब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, कोई कैसे भी कि इसको ये है, जो बस एक बेसिक जो चीजें वो नहीं बदलती है, बाकी आपका चीजें बदलती रहती हैं, अपने हिसाब से लोग बताते रहते हैं। तो भाई ये आप देखो, आप हमें फॉलो कर रहे हो, आप हमारा रूल फॉलो करो तो फॉलो कर लेना कि क्या है यहां पे रूल ऑफ इनइक्वलिटी, क्या है यानी रूल ऑफ इनइक्वलिटी। क्या हो जाएगा पहला पॉइंट, इसका पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाएंगे। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, सबसे पहले तो जो इक्वेशन गिवेन होगी, जो भी इक्वेशन गिवेन होगी उसको आप फैक्टराइज करेंगे। पहला काम क्या है, फैक्टराइज गिवेन इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करने के बाद एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, ऑल एक्स पॉजिटिव यानी जैसे देखो मान लो लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 ग्रेटर देन 0, मैं साथ साथ एग्जांपल भी लेके चल रहा हूं, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कुछ भी। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, x स्क्वायर माइनस 3x, मतलब मैं बिल्कुल बेहद निचली लेवल पे स्टार्ट कर दिया, नहीं बोलना चाहिए हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अब आपको ऐसा फैक्टराइज करोगे तो x - 3 x - 2 > 0। अब क्या श्योर करना था आपने को कि मेक श्योर ऑल x पॉजिटिव। देखो x के पहले देखो क्या लगा है, प्लस साइन, यहां भी x के पहले प्लस साइन। अगर यहां से x के पहले माइनस साइन लगा होता, अगर x के पहले माइनस साइन लगा होता तो हम एक माइनस कॉमन करके उसको पॉजिटिव बना लेते, मतलब ध्यान रहे कि हर x पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर x पॉजिटिव है, अगर मान लो कि मुझे माइनस साइन कॉमन करना पड़ा तो फिर आगे क्या करेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई बाई -1 इन इनइक्वलिटी या मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव क्वांटिटी देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज का मतलब कि लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। ठीक है, अच्छा इसी तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आया। अगर इफ मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज
बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तीता दो पॉइंट है, क्या कहने का मतलब है जरा समय इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको दिखा दो, समझा दो क्या कहना चाहता है ये। जैसे मान लो कि ये आपका एक्स, आपका एक्स माइनस टू ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन जीरो है। अगर मान लो कि मैंने या अगर मान लो कि मैंने इसको टू माइनस एक्स कर रहा हूं, ताकि ये कहीं एग्जाम्पल में समझ में आ जाए, टू माइनस एक्स है, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब इस माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा एक्स माइनस टू, इधर तो जीरो हो जाएगा और ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। सिंपल सी बस यही बात है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपका बदल जाएगा। थर्ड पॉइंट को देखो, फैक्टराइज का पहला काम क्या करते थे हमने, फैक्टराइज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या काम किया हमने, फैक्टराइज करने के बाद उसके सारे एक्स को पॉजिटिव चेक कर लिया। तीसरा काम, अगर बाहर में कोई माइनस है तो अगर माइनस क्वांटिटी यानी माइनस वन से अगर हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल दिया, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदला। इतने काम कर लिया है। चौथा, गेट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट, जो आपके पास ब्रैकेट आएंगे फ्रॉम ईच ब्रैकेट एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन सिस्टम, जो भी ब्रैकेट होंगे उस ब्रैकेट से सिस्टम नंबर लाइन सिस्टम, जो भी ब्रैकेट होंगे उस ब्रैकेट से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको नंबर लाइन सिस्टम पे पुट कर देंगे। जैसे मान लो अभी पिछले सवाल में आया था एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा आया है तो इस वाले ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू टू आई और इस वाले ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू तीन आई। कैसे निकाल रहे ब्रैकेट से वैल्यू, तो इसको पूरा को जीरो कर दो, इस पूरे ब्रैकेट को जीरो कर दो। क्या मान लो कि अगर ये जीरो होता तो इस पूरे को अलग जीरो कर दो, इस पूरे को अलग जीरो कर दो, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू एक्स की टू और इस ब्रैकेट की वैल्यू एक्स की तीन। इतने आने के बाद चौथे नंबर पे कह रहा है कि अब आपको असली काम करना है। आपने ब्रैकेट से नंबर वैल्यू निकाल लिया और नंबर लाइन पे पुट कर लिया, ये सारा जैसा सिस्टम मैं लिखाया हूं ऐसे अगर आप चलते रहे तो। अब कह रहा है कि नंबर लाइन पे पुट करने के बाद सबसे राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगा दो, गिव पॉजिटिव। जैसे मैं देखो इस यहां पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये लिखा हुआ है टू यहां पर है और यहां पर थ्री है, नंबर लाइन हमने पुट कर दिया। अब मैं लिख रहा हूं कि गिव पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट ब्रैकेट, राइट मोस्ट साइड, सबसे राइट मोस्ट साइड मतलब इसका सबसे राइट मोस्ट साइड आपका ये है, यहां पे मैंने डाल दिया प्लस। अब इसके बाद कह रहा है कि अब प्लस के बाद अब आप ग्रेजुअली पीछे आना चालू करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली पीछे आना चालू करो। तो आप इस प्लस के बाद पीछे आओगे तो जो भी एक्स की वैल्यू आपने पुट किया था इस रीजन पे, देखो ये तीन, देखो कुल मिलाकर तीन रीजन बने थे, ये तो आपने जो भी एक्स की वैल्यू आपको मिला उस एक्स की वैल्यू का जिस ब्रैकेट से आया था उसकी डिग्री देखो ना। आपने यहां पॉजिटिव साइन दे दिया ना, मूव बैक एंड सी द या चेक द चेक द डिग्री ऑफ ब्रैकेट फ्रॉम वेयर वैल्यू ऑफ एक्स ऑप्टेंड। आपने क्या किया, इसके बाद आपने पीछे आए आप और आपको मिला ये तीन, तो तीन की वैल्यू पे देखे इस ब्रैकेट के डिग्री कितना है, डिग्री का मतलब पावर कितना है, तो पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, यहां पे पावर वन है। तो आपने चेक किया कि पीछे आए, देखो एकदम स्टेप है, यही वाला स्टेप सबसे खतरनाक है, इसी में सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सारा कंफ्यूजन खत्म होता है कि पीछे आए तीन देखे, तीन पे आप तीन को सोचे कि ये किस ब्रैकेट से आया है, आपने देखा कि ये इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट की डिग्री चेक किए एंड चेक द डिग्री ऑफ ब्रैकेट फ्रॉम वेयर वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेंड।
तो ये आपकी वैल्यू का आप जो एक्स ऑब्टेंड थी उसको हमने चेक किया। इफ आगे इसी में लिख रहा है इफ डिग्री इज इक्वल टू ऑड, अगर डिग्री ऑड है देन चेंज साइन, अगर डिग्री ऑड है तो ये प्लस, देखो ये डिग्री ऑड है तो हमने प्लस का माइनस कर दिया, अपना साइन चेंज हो जाएगा। इफ डिग्री इवन, इफ डिग्री इक्वल टू इवन देन डोंट देन पुट सेम साइन इन दैट इन इन प्रीवियस इन इन ये पीछे वाला रीजन में इन बैक रीजन या प्रीवियस रीजन इन बैक साइड रीजन, जो भी ये पीछे वाला रीजन है इसमें आपको माइनस कोई साइन मतलब सेम साइन पुट करना है, अदरवाइज अगर आपका ऑड डिग्री है इसकी तीन की यानी इस वाले की तो आपको आपको दोबारा साइन चेंज करना है। अब इसके बाद रुक जाना यहाँ पे, फिर हम पीछे ना चालू किए, टू टू मिला हमने टू की पता किया कि किस ब्रैकेट से आया था, इस ब्रैकेट से हमने इसकी डिग्री चेक किया वन वन एक ऑड नंबर, ऑड नंबर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इतना काम करने के बाद ये हर ये सवालों में यही काम करेंगे, यही काम करेंगे हर सवालों में। अच्छा अभी इतना काम हमने कर लिया उसके बाद आपको आखिरी काम मैं इधर का हटा दे रहा हूं, बच्चों देखो इधर का मैं हटा के आपने शायद लिख लिया होगा, मैं इधर का हटा दे रहा हूं, हटा के आपको आगे की बात बता रहा हूं कि अगर आपने इतना काम जब कर लिया है तो पांचवा नंबर यह कहता है कि आप देन देन चूज पॉजिटिव साइन रीजन फॉर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो पॉजिटिव वाला साइन वाला चूज कर लो, मतलब ये वाला चुन लो और ये वाला चुन लो। अगर अगर या और चूज चूज नेगेटिव साइन रीजन, नेगेटिव साइन रीजन फॉर लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू, अगर लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू होगा तो ये नेगेटिव वाला साइन ब्रैकेट अपन लोग चुन लेंगे। बात समझ में आई, नेगेटिव वाला चुन लेंगे अगर आपका लेस देन आर इक्वल टू होगा तो, और पॉजिटिव वाला चुन लेंगे अगर वो प्लस या आपका प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो। जैसे यहां पे ग्रेटर देन था तो इस एग्जाम्पल के लिए हेयर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू, जरा देखो ग्रेटर देन है, जरा देखो तो बच्चों इधर में ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रहा होगा, इधर पे प्लस इनफाइनाइट रहा होगा तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में प्लस वाला यानी पॉजिटिव रीजन कौन से, क्योंकि ग्रेटर देन है तो माइनस इनफाइनाइट से टू तक है, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक है। कई बार इसको दिखाने के लिए हम ऐसे भी दिखाते हैं कि ये ऊपर में है, ये नीचे में है, ये ऊपर में है, तो क्या कहते हैं इसी को बोलते हैं, अभी नाम दे रहा हूं क्या बोलते हैं, क्या है आपका एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से टू ओपन इंटरवल यूनियन, लिखने का तरीका दो अलग अलग को लिखने का तरीका पीछे बता चुका हूं, यूनियन थ्री टू इनफाइनाइट, यूनियन थ्री टू इनफाइनाइट, दो अलग अलग ब्रैकेट को लिखने का तरीका आपका होता है, दो अलग अलग इंटरवल को लिखने का तरीका होता है, बीच में यूनियन साइन लगा देते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं वेबी कर्व मेथड। देखो इसी को नाम होता है क्या, वेव कर्व मेथड, मतलब वेव की तरह चल रहा है और कर्व चल रहा है, इसी का नाम होता है वेव कर्व मेथड, वेव कर्व मेथड। अच्छा ये तो आप मैंने बताया यहां तक कि वेव कर्व मेथड, इसमें एक और पॉइंट मुझे जोड़ना है जो छठे पॉइंट पे जोड़ देता हूं मैं, छठे नंबर का पॉइंट है, सिर्फ इसको नहीं इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वेव कर्व मेथड, इसलिए मैं छठा पॉइंट लिखने के बाद आपको ये वाला पॉइंट देता हूं। देखो छठा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, एक छोटा सा छठे पॉइंट से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो लिखा है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो देखो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो x इक्वल टू टू आएगी, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो x इक्वल टू तीन आएगी, और जो यहां से x की वैल्यू आएगी वो आपका x की वैल्यू जो यहां से आएगी वो आपकी फाइव आएगी।
x की वैल्यू 5 आएगी। तो ये जान लेना कि दी वैल्यू obtained from न्यूमेरेटर इज कॉल्ड जीरो। एक नाम आपके सामने रख रहा हूं और दी वैल्यू ऑब्टेंड फ्रॉम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड पोल। यानी नीचे वाले को पोल है, बस नाम याद रखेंगे। मतलब यहां पे क्यों नाम याद रखेंगे, मैं अभी बता भी दे रहा हूं कि नीचे वाले पे देखो यहाँ पे जीरोज कौन कौन कहलाएंगे। पहले जीरोज बताओ, जीरोज 2 और 3 है। पोल क्या है, पोल आपका 5 है। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा कि भाई आपको नाम जीरोज और पोल रखना है, क्योंकि कई बार जब इनइक्वलिटी में जब हम रेशनल इनइक्वलिटी की बात करेंगे, अभी रेशनल इनइक्वलिटी पे नहीं चल रहे हैं, रेशनल इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो उस केस में हमको जीरोज और पोल का काफी महत्व है। और जो ये सारा मेथड है ना, इस सारा मेथड जो हमने लिखा है, इस मेथड का नाम होता है वही आपका कौन सा, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, इस पूरे मेथड का नाम होता है वेवी कर्व मेथड। अब एग्जांपल करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं रेशनल इनइक्वलिटी पे बात करूंगा, अभी हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल करते हैं। आ जाओ बच्चों, अगले सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अभी इस इनइक्वलिटी बात करें, अभी पॉलिनोमियल यानी सिंपल इनइक्वलिटी पे बात कर रहे हैं, रेशनल इनइक्वलिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल जैसे मान लो कि लिखा है, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन लिखा है कि मान लो कि लिखा है 2x² - x + 6। अगर ये +3 लिखा है तो -3 > 0, तो बोल रहा है कि क्या आपका वैसा कौन सा x होगा, आपको x बताना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, फैक्टराइज करना। पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये 2x² क्या है, -3x + 2x - 3 > 0। 2x कॉमन कर लिया तो x कॉमन कर लिया तो बच गया कितना, 2x - 3 + 1 कॉमन किया, 2x - 3 > 0। ये 2x - 3 आ गया, 2x + 1 आ गया, > 0। अच्छा, अब यहां से जरा देखो, x पहला स्टेप पूरा हो गया क्या, कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड गेट वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, नहीं, मेक श्योर ऑल x आर पॉजिटिव। तो क्या सभी x पॉजिटिव है, देखो x के पहले प्लस है, यहां भी 2x के पहले प्लस है, मतलब ये वाला भी x पॉजिटिव है। फिर सेकेंड स्टेप करा था कि गेट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू देखो 2x - 3 = अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 3/2 आ जाएगी, और यहाँ पे x + 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर तीसरा स्टेप क्या कहा था कि पुट दीज वैल्यू ऑन नंबर लाइन सिस्टम। अब देखो यही सारा काम बस इतने में ही हो जाएगा, देखो कितना आसान है, ज्यादा वो लिखने में बस लंबा चलता है। कह रहा है कि सारी वैल्यू को आप रखें, -1 पहले रखाएगा और 3/2 बाद में रखाएगा। अब मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर रहा हूं, अगर इक्वल टू लगा हो ना इक्वल टू, तो आपने इनको पहले ही बोल दो कि ये डार्क सर्कल है, ताकि हमसे मिस्टेक ना हो, ताकि ये हमको पता रहे कि 3/2 और -1 आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, 3/2 और -1 इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब जरा देखो मैंने क्या कहा कि पुट करने के बाद आखिर पांचवा चौथा स्टेप मैंने बोला था कि आपको इसके बाद से सबसे राइट मोस्ट साइड पे क्या डाल देना है, प्लस। फिर मैंने कहा था पीछे ग्रेजुअली धीरे धीरे पीछे आएंगे, जो भी x की वैल्यू मिली होगी उसके ब्रैकेट के ऊपर ताकेंगे, ब्रैकेट के ऊपर चेक करेंगे, ध्यान देंगे, उसकी निगरानी करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे कि इसकी ब्रैकेट की degree 1 है। degree 1 का मतलब ऑड है, ऑड मतलब माइनस, प्लस का माइनस बदल जाएगा। फिर पीछे आए हमसे, हमारी मुलाकात हुई किससे, -1 से। हम पूछे भैया कहां से आए थे, बोलेगा हम तो आए थे इस ब्रैकेट से, बोलेंगे तो
सर ठीक है तो अपने ब्रैकेट की डिग्री देख के बताओ ना कितना है। बोलेगा हमारे ब्रैकेट की डिग्री तो हमको तो दिख रही है एक, तो हम कहेंगे चलो एक है मतलब ऑड है, तो बाकी चीज तो हमने एनालाइज कर लिए कि ऑड है मतलब माइनस का प्लस हो गया। अब इसके बाद अब देखो बेबीकर में क्या कहता है कि ये ऊपर का ऊपर बना दो, नीचे का नीचे बना दो, ऊपर का ऊपर बना दो। अब क्या हुआ कि अगला आपसे ये देखने वाला है कि ये क्या है, यहाँ पे ये देखा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव वाला साइन लेना है। तो उसने बोला कि हमारा उत्तर हो जाएगा, ये माइनस इन्फाइनेट होता है प्लस इन्फाइनेट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन पे क्लोज क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। यूनियन लिखने का तरीका 3/2 से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका आपके वो एक्स की जो वैल्यू पूछ रहा था वो आ गया। क्या क्या अपना स्टेप दोबारा एक बार सुन लेते हैं फटाफट कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू मिला, नंबर लाइन पे पुट कर दिया, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव डाल दिया, इतना काम हो गया। इसके बाद का सारा झंझट है, पीछे आए 3/2 से मुलाकात हुई, 3/2 से पूछे कौन सा ब्रैकेट बताया, ये इस ब्रैकेट का डिग्री देखे वन, वन मतलब ऑड, बाकी चीजें खुद से एनालाइज कर रहे हैं, और ऑड मतलब प्लस का माइनस माइनस। फिर पीछे आए माइनस वन से मुलाकात हुई, माइनस वन से पूछे तुम्हारा तुम्हारे किस ब्रैकेट से आए, बोला हम इस ब्रैकेट से आए, हम बोलेगा डिग्री कितना, बोलेगा वन, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस का प्लस। फिर हमने देखा यहाँ पे दवाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, पूछा ग्रेटर देन हो आ तो हाँ तो ये तुम लेके चले जाओ खुश रहो, क्या दे दिया हमने माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, 3/2 से इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू जीरो दिया होगा। सबसे पहले हम फिर से वही काम, पहला काम क्या, फैक्टराइज एंड गेट वैल्यू ऑफ एक्स, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए यहां पे किससे फैक्टराइज करना पड़ेगा, यहां पे जरा देखो तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 ये आएगा यहां पे, क्या यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 ये आएगा क्या यहां पे लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया तो हमें पूरी उम्मीद है कि मेरे इतने हिंट के बाद आप तो कर ही डालेंगे x माइनस 4x प्लस 1, यहां से कॉमन आएगा x कॉमन आएगा यहां से 1 x माइनस 4x प्लस 1, यहां से x माइनस 6 आएगा और यहां से कितना आएगा बच्चों x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। शानदार जवाब, यहां से क्या हो गया x प्लस 1 का दोनों का स्क्वायर हो गया, x माइनस 4 बचा, x माइनस 6 बचा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। पहला काम कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट, कौन सा स्टेप कंप्लीट, फैक्टराइज ऑल गिवेन, फैक्टराइज गिवेन इक्वेशन उसी में था, चेक ऑल मेक श्योर ऑल x पॉजिटिव, क्या x पॉजिटिव है, क्या ये भी एक्स पॉजिटिव है, क्या ये भी एक्स पॉजिटिव है, तो सब ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस या प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप कह रहे थे कि सभी ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर माइनस वन, यहां से हमने निकाला एक्स माइनस फोर, बस मैं कुछ सवालों के लिए दिखा रहा हूं बाकी तो मैं डायरेक्ट लिखना चालू करूंगा। यहां से निकाला एक्स माइनस सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स हो गया। अब इसके बाद कहता है सवाल कि भाई नंबर लाइन सिस्टम उठाओ, वैल्यू रखना चालू करो, यहाँ पे कहीं माइनस वन, यहाँ पे कहीं फोर, यहाँ पे कहीं सिक्स, ये आपका प्लस इन्फिनिटी और पीछे आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इतना तक चीजें अपने को पता चल गई। अब सवाल में सवाल के हिसाब से सबसे राइट मोस्ट साइड पे कौन जाएगा। अच्छा उसके पहले मैंने अभी पिछले में आपको एक चीज इंक्लूड करी कि यहाँ पे चेक कर लो, अगर इक्वल टू है तो सब पे डार्क सर्कल लगा दो कि भाई ये इनको हमें शामिल करना है ताकि कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। अब सबसे राइट मोस्ट साइड पे हमने लगा दिया पॉजिटिव, पीछे आना चलो क्या मुलाकात किससे हुई, किससे भिड़ गए, छह से, पूछे ठीक है आपकी आप किस ब्रैकेट से आए, बोला हम यहां से आए, बोला अपनी डिग्री बताओ, बोला डिग्री कितना, बोला वन, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, प्लस का माइनस बन गया। फिर यहाँ फोर पे आए, फोर से पूछे किस ब्रैकेट से, बोला यहां से, हमने पूछा डिग्री कितना, बोला वन, वन मतलब ऑड मतलब साइन चेंज हो गया। फिर हम पूछे, फिर पीछे आए माइनस वन, पूछा माइनस वन भैया आपका डिग्री कितना, बोलेगा मेरा डिग्री टू, टू मतलब इवेन, इवेन मतलब प्लस का प्लस,
इवन मतलब प्लस का प्लस। अब कैसे इसको वेवी कर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये यहां से यहां क्या होगा जीरो, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ऐसे निकल गया होगा। अब क्या चाहिए अपने को भाई, लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाले मैंने लिखाया था, लेस देन में क्या चाहिए निगेटिव चाहिए, तो क्या कर लेंगे यहां से निगेटिव वाला वैल्यू मतलब एक्स बिलोंग टू फोर से सिक्स दोनों पे क्लोज लगा देंगे। क्या सब आ चुका है, क्या सारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, क्या यही आंसर होगा या कुछ और होगा, जरा सोचो। तो चार से छह के बीच में चार और छह पे इक्वल टू लगा है, इंक्लूड करना था, हमने इंक्लूड कर लिया, ये भी प्लस था नहीं लेना था, ये भी प्लस था नहीं लेना था, ये भी प्लस था नहीं लेना था। लेकिन मैंने जब आपको ये लगा था समय एक और बात बोला था कि जहां जहां ये लगा रहे हैं इसका मतलब इसको भी हमें इंक्लूड करना है किसी भी कंडीशन में, क्या करना है इंक्लूड करना है किसी भी कंडीशन में। तो बताओ क्या ये माइनस वन इंक्लूड होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। कैसे, यूनियन माइनस वन, एक एलिमेंट लिखने का तरीका ऐसे करली ब्रैकेट लगा दो माइनस वन, जो कक्षा पांच छह में आप सेट पढ़े होंगे वह कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम करली ब्रैकेट में लगा दिया, मतलब चार से छह के बीच की सारे नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और कौन आंसर दे रहा है माइनस वन। गलती यही होती है स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो, ठीक है। आओ बच्चों अब अगले सवाल पे बात करते हैं, तो आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल देखो जरा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगला सवाल है जैसे मैंने लिखा एक्स क्यू माइनस एक्स और मैंने लिखा एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो, इस बार लेस देन लगा हुआ है। अब कह रहा है कि आप इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करो, क्या करेंगे बच्चों, कुछ काम कठिन नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सभी x को अलग अलग करके खंड खंड कर देंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना चाहिए। कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्यों हीट एंड ट्रायल मेथड की बात क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड में आप x की वैल्यू जैसे मान लो यहां पे पता करना होगा क्या क्या इसके फैक्टर होंगे, तो हम x की वैल्यू एक बार प्लस माइनस वन चेक करें, एक बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, एक बार प्लस टू, एक बार माइनस टू, अधिकतम प्लस थ्री माइनस थ्री। यहां पे अगर काम नहीं बनता है तो एक और मतलब ये जो है ना क्रिटिकल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, अगर इतने से आपका क्वेश्चन 100% है कि मिल जाएगा क्या है, अगर नहीं मिलेगा तो ज्यादा मन क्या परेशान हो रहे हो उस चीज के लिए, मतलब क्यों हो इतना परेशान हो रहे हो, इतना बड़ा वो देना चाहता है, इतने के क्यों चक्कर में पड़े हो, छोड़ दो फिर आगे, मेरे सजेशन है ये एक बस। अदरवाइज इसमें मैक्सिमम टाइम में प्लस माइनस वन, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस टू तक जाते जाते वैल्यू मिली जाती है, एक फैक्टर मिल जाता है, और एक फैक्टर मिलने से बाकी फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें एक्स इक्वल टू वन रखता हूं तो वन और आपका माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स, तो ग्यारह और एक बारह, माइनस छह बारह जीरो हो गया, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन एक फैक्टर हो गया। और देखो जरा समय थोड़ा सा इस पर टाइम देना चाहता हूं आपको, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो का एक्स इक्वल टू एक फैक्टर हो गया, यानी एक्स माइनस वन, याद करो एक्स इक्वल टू एक सोल्यूशन हो गया, तो याद करो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया, फैक्टर हुआ तो कैसे निकालेंगे x माइनस वन को, हमारा मेथड है, बाकी किसी आप लोग कैसे पढ़े हैं हमें नहीं पता, एक बार आप देख ले ताकि मैं आगे जब भी ऐसे करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। जो क्यूबिक के लिए या बाई क्वाड्रेटिक के लिए, सबके लिए मेरा फंडा यही होता है, इसी चीज को रख दो, तीन बार लिख दो, और उसके बाद इसको बैलेंस करना चालू करो ऊपर के हिसाब से। कैसे बैलेंस करना चालू करो, मतलब कैसे, देखो कैसे बैलेंस कर रहा हूं मैं, यहां पे ऐसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब हो जाए, ऐसा किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आपके दिमाग में आया होगा सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहां दोनों मिलके हो गया एक्स क्यूब, एक्स्ट्रा क्या आ गया और मल्टीप्लाई होकर अपने आप क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना था माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और कितना जोड़ दे इसमें कि माइनस सिक्स हो जाए, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और चाहिए, यानी यहां पे माइनस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये दोनों मिलकर प्लस फाइव एक्स हो गया।
अब हम प्लस 5x पहले से कितना पढ़ा था यहाँ पे, प्लस 11x, तो और कितना जोड़ा जाए कि ये 11 हो जाए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर 6x जोड़ दो तो ये ऊपर वाला 11 पहुंच जाएगा, मतलब इसमें प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x, और माइनस अब 6 ये भी यहां से भी आया, ये से भी आया, आंसर देखो देख क्या। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में चल रहा होगा, और जो दिमाग में चल रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था बस आपको। अब यहां से x माइनस 1 पूरे में से कॉमन कर लिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 1 और यहां से आ गया x माइनस 2 x माइनस 3, पिछले सवाल का बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। तो यानी फैक्टर होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, अब इसको जरा मैं हटाया, लो हटाया, क्या किया यहां से फैक्टर निकाला, ये x कॉमन किया x स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर हमने निकाल लिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, यहां से क्या क्या है आपका, ये फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खंड खंड हो गया, और ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब x x माइनस 1 का जरा देखो तो बताओ तो कितने हैं, 2, x प्लस 1 कितना 1, x माइनस 2 कितना 1, x माइनस 3 कितना 1, अच्छा यहां से x की वैल्यू 0, यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू 2 माइनस 1, यहां से x की वैल्यू 2, यहां से x की वैल्यू 3, आई बात समझ में। मैंने फिर क्या कहा किस पे रखना है, नंबर लाइन पे, तीन सबसे 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा कौन सा है, माइनस 1, इधर में आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर में जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट, माइनस 1 यहां पे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बहुत अच्छा शानदार। अच्छा अब क्या करेंगे, क्या तरीका है सबसे राइट, अच्छा वो मैंने नहीं एक चीज का ध्यान नहीं दिया आप, क्या सारे एक्स पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है सारे एक्स पॉजिटिव है, अभी सवाल नेगेटिव वाला भी करेंगे, नेगेटिव वाला भी करेंगे, सारे एक्स पॉजिटिव है तो हमने इधर का कर लिया। अब यहां से देखा सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस डाला, फिर तीन का पूछा कहां से आए हो भाई, बताया यहां से आए हम इस ब्रैकेट से, हमने पूछा डिग्री बता दो, बोला एक मतलब ऑड चेंज हो गया, तुम कहां से आए हो टू, बोला इस ब्रैकेट से, डिग्री कितना 1 मतलब ऑड, फिर माइनस का प्लस, माइनस का प्लस होना है मतलब अगले वाले में ऑड होगा तो चेंज होना है, इसका साइन चेंज होना है। फिर हमने पूछा 1 कहां से आए हो भाई, बोला यहां से, हमारी डिग्री 2 मतलब इवेन, यहां पे डिग्री क्या थी इवेन, मैंने बोला प्लस का प्लस ही रहेगा चेंज नहीं होगा। फिर आपका मैंने पूछा 0 तुम कहां से आए हो, बोला यहां से, बोला डिग्री कितना 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस। फिर क्या पूछा माइनस 1 से कहां से आए हो, यहां से, इसकी डिग्री फिर ऑड, तो ये हो गया। अच्छा दूसरा यहां पे इक्वल टू नहीं लगा है तो सब पे ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, मतलब हॉलो सर्कल रहेगा सब पे। अब जरा इसका बेबी कर्व, मतलब बेबी कर्व डालते हैं, ये हो जाएगा ये बेबी कर्व, ये फिर ये फिर ये। अच्छा क्या चाहिए अपने को, लेस देन है, लेस देन लिखा है तो चाहिए क्या, निगेटिव वाला, निगेटिव वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा निगेटिव वाला, जरा बताओ कि कहां से कहां तक, माइनस 1 से 0 यूनियन 2 2 3, ओनली इतना ही और कुछ नहीं। पॉजिटिव वाला चाहिए होता तो कहां से कहां तक जाता, माइनस इनफिनिट से माइनस 1, 0 से 1, 1 से 2, 3 से इनफिनिट, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये है आपका इस पे सवाल, जरा अगले सवाल पे अपन बात करेंगे, ठीक है आओ अगले सवाल पे बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 3, एक ये लिखा है एंड और लिखा है मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 6 माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0, फाइंड x, आपको x बताना है, ठीक है। तो जरा बताओ इसको मैं बदलता हूं, मुझे तो सवाल थोड़ा चेंज करना था ना, सवाल चेंज करना था, इसको मैं बदलता हूं कि ये लिखा है 6 माइनस एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है सवाल में बदल देता हूं, ताकि मुझे तो बताना था अलग वाला सवाल दूसरा वाला। तो अब इसके बाद पहले हम काम करेंगे फैक्टराइज करेंगे, जरा इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या देगा ये, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 और 2 का डिफरेंस है, माइनस 2x माइनस 3, एक ये हो गया, यहां से 6 2 जा 12 मतलब 6 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0, सही है इतना। यहां से क्या आया बच्चों,
यहां से मैंने अगर देखा जाए तो यहां से मैं x कॉमन करूंगा इस वाले में से, तो x कॉमन करते ही ये 2x प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा, ये एक ब्रैकेट में हो गया। यहां से ऐसे ही 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस 2x बच जाएगा, और यहां से हम कॉमन कर लेंगे माइनस 1 माइनस x कॉमन कर लेंगे तो ये भी आपका 3 प्लस 2x बच जाएगा, फिर यहां पे लेस देन आर इक्वल टू 0। इसके बाद यहां से देखो क्या बचा अपने को, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यहां पे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर यहां पे 3 प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 2 माइनस x लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर क्या कह रहा था, क्या कह रहा था कि क्या सारे x को, अभी तो एक चीज दिख रहा है कि जो ये है वही ये है, तो काम कर लेते हैं 2x प्लस 3 कर ही लेते हैं, यहां पे का होल स्क्वायर ये x माइनस 1, यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है 2 माइनस x, 2 माइनस x है यहां पे, तो 2 माइनस x को मैंने क्या कहा था कि सारे फैक्टराइज करने के बाद मेक ऑल x पॉजिटिव, क्या ये वाला x पॉजिटिव है, ये वाला x पॉजिटिव है, ये वाला x पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला x नहीं पॉजिटिव है, क्या है ये निगेटिव है, एक माइनस कॉमन कर लो x माइनस 2 कर लो लेस देन आर इक्वल टू 0, माइनस 1 कॉमन किया माइनस 0 हो गया। अब आपको माइनस से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना है अब इसके बाद, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बोथ साइड, और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया निगेटिव क्वांटिटी से तो ये बगावत कर गया। अब बगावत क्योंकि इसको मंजूर नहीं निगेटिव क्वांटिटी, और बगावत करके अपनी पार्टी बदल लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, पार्टी बदल लिया। पार्टी बदलने से हम कहे घंटा हमको फर्क पड़ता है, पार्टी बदल लो, यहां पे तो ये अभी भी x की वैल्यू है माइनस 3/2, यहां पे x की वैल्यू है 1, हमने कहा अभी भी हम आपकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे तो माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, इसमें सबसे छोटा माइनस 3/2, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे राइट साइड में प्लस डाला, हम कहे हमारा नियम चेंज नहीं होगा, ये है 1 डिग्री है 2 की, 2 की डिग्री 1, प्लस का माइनस, फिर जरा आप फिर और पीछे बढ़े, किससे मुलाकात हुई, 1 से, 1 की डिग्री पूछा, क्या है भाई तुम्हारा डिग्री, बोला 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस का प्लस, फिर